Hello everyone, welcome back to the new vlog. I hope everyone is doing absolutely fine. I am Suraj and you're watching the Jat Saab Vlogs. आज का व्लॉग किस बारे में है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं DHL पैक स्टेशन. DHL पैक स्टेशन क्या होता है और किस बारे में ये सारी वीडियो है, ये मैं आगे पूरी डिटेल में आपको वीडियो बताऊँगा. पैकेट हम कहाँ से लेंगे, पैकेट मतलब कि जो हमारी डिलीवरी आई है, जो सामान हमने कहीं से मंगवाया है, अमेज़ॉन से जो सामान मंगवाया है या फिर अमेज़ॉन हो या कोई सी भी ऑनलाइन वेबसाइट हो वहाँ से भी मंगवा सकते हैं. और वो लोग जो हैं जो डिलीवर करने वाले होते हैं, वो अगर आप घर नहीं होते तो आपको डिलीवर कर देते हैं ये पैक स्टेशन पे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी. हम लोग पैकेट लेने जा रहे हैं. मेरे पास फ़िलहाल जो है मैं घर पर नहीं था तो मुझे ये कार्ड दिया है. ठीक है, ये मुझे स्कैन करना है वहाँ पर और मुझे मेरा पैकेट मिल जाएगा. तो बिना किसी देरी के हम लोग वहीं चलते हैं डायरेक्ट और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पैकेट निकाल रहे हैं हम DHL पैक स्टेशन से, है ना. तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, तो लगभग हम पहुँचने वाले हैं, बट मैं आपको उससे पहले बता देता हूँ कि DHL पैक स्टेशन क्या होता है जर्मनी में. यहाँ पे क्या होता है कि येलो कलर के एक ना थोड़ा सा बॉक्सेस बने होते हैं, बड़े बड़े कुछ स्टेशन होते हैं और वहाँ पर आपका अलग अलग उसके अंदर बॉक्स होते हैं. और वहाँ पर क्या होता है कि जब आप घर पर नहीं होते हो तो आपके पैकेट वहाँ डिलीवर कर देते हैं या आसपास कोई शॉप होती है वहाँ डिलीवर कर देते हैं. ठीक है, तो ये DHL पैकेट स्टेशन का कंसेप्ट होता है. और सिर्फ अमेज़ॉन ही नहीं, अगर आप ज़ारा से ऑर्डर कर रहे हो या कहीं से भी ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो तो आपका सामान जो है अगर आप घर पे नहीं होंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ से रिसीव कर सकते हो. अच्छा, आप अगर चाहते हो कि मैं हमेशा ही सामान वहाँ से रिसीव करूँ तो इसके लिए जो है एक DHL का अलग से ऐप होता है. ठीक है, आप ऐप डाउनलोड करो और जब ऐप डाउनलोड करते हो तो आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, अपना पासपोर्ट वगैरह शायद अपलोड करना पड़ता है उसमें. उसके बाद आपको एक कार्ड पोस्ट के थ्रू आता है आपके घर पे. पोस्ट के थ्रू जब कार्ड आता है तो कार्ड पे आपका कुंडन नंबर लिखा होता है, कुंडन नंबर मतलब कस्टमर नंबर लिखा होता है. उसके बाद शायद उस पर कोड भी होता है, हाँ कोड भी होता है शायद. तो वो कोड आपको सिर्फ जाना है वहाँ, स्कैन करना है और आपका पैकेट जो है आप वहाँ से कलेक्ट कर लोगे बहुत ईजिली. मतलब कि आपका जैसे ही स्कैन करोगे फट से वो बॉक्स जो है अंदर से वो खुल जाएगा और आपका सामान जो है आप ले सकते हो. बहुत ईजी है, कोई इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है. लोग मतलब जैसे मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ से 200 मीटर दूर एक पैक स्टेशन है मान लो, जैसे अभी हम जा रहे हैं पैक स्टेशन नंबर 252 पे. तो मैं अगर चाहूँ, अगर कहीं मुझे जाना है तो वहाँ जाते जाते मेरे पास अगर DHL का कार्ड होगा जो मैंने अप्लाई किया है ऐप के थ्रू, मैं बोलूँगा ऑनलाइन कि हाँ भाई मेरा जो है वो एड्रेस जो है DHL पैक स्टेशन नंबर 252 पे आप डिलीवर कर देना, तो वहाँ पर चला जाएगा. अभी हमारे पास जो है कार्ड नहीं है तो इसीलिए हम घर पर नहीं थे, तो बंदे ने क्या किया कि जो कार्ड था नॉर्मल कार्ड मतलब कि एक छोटा सा पोस्ट कार्ड टाइप होता है, वो उसके अंदर बारकोड होता है और वो बारकोड आप वहाँ स्कैन करते हो तो स्कैन करने के बाद आप डायरेक्ट जो है वो बक्सा जो है वो खुल जाएगा और आप अपना सामान वहाँ से निकाल सकते हो. और जो मैंने आपको बताया है पोस्ट कार्ड, वो पोस्ट कार्ड कुछ इस तरह है, आपको दिख रहा होगा ये पोस्ट कार्ड है और इसके ऊपर जो है वो बारकोड भी है. तो हम लोग पहुँचने वाले हैं, मैं बारकोड स्कैन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग पैकेट हमारा. तो देख लो भाई, हम लोग आ गए हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हो ये जो ये है DHL पैक स्टेशन, ये पीले कलर का ना, इसका स्टैंडर्ड है, ये सब जगह ऐसा ही होता है. ठीक है, और मैं जिस तरह से आपको बता रहा था ना कि ये वाला कार्ड स्कैन करना है, और ये वाला कार्ड का पता है मैंने एक चीज और आपको नहीं बताई कि 9 दिन के अंदर अंदर आपको रिसीव करना होता है अगर ये कार्ड आपके घर पे आया. और ये कार्ड तभी आएगा जब आप घर पे नहीं हो, तो अगर आपको मतलब घर पर कोई बंदा नहीं है, बैल बजाइए, अगर उसने खोला नहीं है तो आपको ये कार्ड देंगे. और आपके पास अगर वो आपने रजिस्टर किया हुआ है DHL पे, आपका अकाउंट है, आपके पास अगर कुंडन कार्ड है जिसको बोलते हैं कस्टमर नंबर, अगर वो है, पूरा कार्ड आता है ATM कार्ड टाइप बनता है तो वो है, तो उस पर QR कोड होगा और वो QR कोड से डायरेक्ट आप यहाँ कहाँ स्कैन करना है मैं बताता हूँ. वो QR कोड भी डायरेक्ट स्कैन करोगे ना तो ये फट से जो अलग अलग देख रहे हो आप, इधर थोड़ा आगे आओ, ये देख रहे हो ये बड़ा डब्बा है, ये बड़ा डब्बा है, ये छोटा डब्बा है. तो ना आप बॉक्सेस अपने साइज के हिसाब से, कोई भी बॉक्स अगर आपने कोई चीज मंगवाई, कोई बड़ी चीज है छोटी चीज है, तो उसके हिसाब से आपके ये बॉक्स के अंदर, जैसे इतना बड़ा डब्बा देखो, ये पूरा एक बॉक्स है. अब मैं स्कैन करूंगा ना तो खट से खुलेगा और उसके अंदर से हम हमारा सामान निकालेंगे. तो ये आज ये स्क्रीन पे हम देखते हैं पैकेट मिडडेन DHL एंड ये ऐप बता रहा हूँ ना, ये ऐप अगर ऐप भी डाउनलोड करोगे ना आप तो ऐप के थ्रू भी आप निकाल सकते हो क्योंकि ऐप में आपका ऑलरेडी कोड आ जाएगा. शायद संडे तो बंद नहीं हो यार, नहीं, हाँ
अब हमको करना है क्या, अब होलन ऐसे कुछ इसका इंटरफेस आएगा, आपको इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में भी कर सकते हो यहाँ से, और जर्मन में करना है तो जर्मन में कर सकते हो। मैं इंग्लिश में करता हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी हो देखने में, ठीक है। पिकअप करना है या डिपॉजिट करना है, आप डिपॉजिट भी कर सकते हो कि पैक स्टेशन है, मान लो कोई आइटम मुझे रिटर्न करना है कहीं पे, तो आप डाल दो कि भैया ये पैक स्टेशन है, और ये सारा ना आपका डिपॉजिट जो है वो ऐप के थ्रू होगा, ठीक है। तो मुझे मान लो अगर पिकअप करना है, तो पिकअप के लिए बोल रहा है या तो QR कोड डालो या पोस्ट नंबर या नोटिफिकेशन। तो हमारे पास जो है ये चीज है और ये हम स्कैन करेंगे, ठीक है। स्कैन करता हूं मैं, कहां गया जॉर्ज। जब स्कैन करा तो ये पूछ रहा है प्लीज एंटर द फर्स्ट एंड लास्ट नेम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम दिशांत, दिशांत के नाम से है, स्पेस मेहता। दिशांत अभी गया हुआ है पर ये कंफर्म, ये देखो खुल गया ये वाला, फट से आ जाइए ना आपको, तो जो भी आइटम है तो दिशांत का हम लोग ले लेंगे। और इसमें क्या है, इसमें जो है मेरे ख्याल से ये कहाँ से मंगवाया है, जहाँ से मंगवाया है मतलब कुछ ना कुछ तो है, तो हमारा काम तो हो गया ना। तो इस तरह से कुछ है जो ये डे चलेगा, फट से आवाज आई ना, ये फट से आवाज आ गई। और शिपमेंट नंबर इसमें दिखा दिया है, रिमूव द शिपमेंट एंड क्लोज द कंपार्टमेंट, ठीक है। ये शिपमेंट नंबर है और ये आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो इस तरह से हम लोग इसको फट से वापस क्लोज कर देंगे। फट से आवाज आ गई, फट से आए हैं कि नहीं, वो उसकी आवाज आई है पतरे की। तो ये हमने आ रहा ले लिया है क्या, अबोलुंग कर लिया हमने, अबोलुंग जर्मन में बोलते हैं, अबोलुंग अबोलन मतलब कुछ रिसीव करना। तो हमने हमारा पैकेट रिसीव कर लिया है, इसके दम पे भी कर सकते हो, ये आप घर पे नहीं होगे जैसा कि मैंने बताया, तो इसके दम पे भी रिसीव कर सकते हो। और बाकी आप अगर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्कैन कर लो यहाँ डायरेक्ट। ऐप वगैरह डाउनलोड करने में मैंने बताया कि भाई ऐप का ऐसा है कि आप ऐप जब डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक पोस्ट आएगा, और पोस्ट के थ्रू आपके पास वो एक कार्ड आएगा, ATM टाइप जो कार्ड होता है ना, तो उसमें सारी चीज़ें होगी, कुंडन नंबर वगैरह, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना। DHL पैक स्टेशन हमारे यहाँ इतने कॉमन है नहीं, यहाँ बहुत कॉमन है, यहाँ पे भी पता है किसी ने देख कोशिश की है वो तोड़ने की, छोटा वाला। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये था हमारा DHL पैक स्टेशन का वीडियो, छोटा था बढ़िया था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ होती है यहाँ पर, पैकेट आया था तो मैंने सोचा कि भाइयों से शेयर कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बहुत जल्द 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, तो घर की बात। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, जल्द टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ चाओ।